तो वही सत्ता में आने के साथ ही शहरी जनता को सुखद बदलाव का एहसास कराने के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार तत्पर है और इसी कड़ी में प्रदेश के नगरीय विकास विभाग ने सभी निकायों को निर्देश दिए हैं कि वे कांग्रेस के घोषणा पत्र को लागू करने के लिए 100 दिवसीय कार्य योजना बनाएं और इसकी एक प्रति सरकार को भिजवाएं। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए जन घोषणा पत्र जारी किया था। इस घोषणा पत्र में प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए विभागवार तमाम वादे किए गए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इस जन घोषणा पत्र को सरकार के नीतिगत दस्तावेज के रूप में मंजूर किया गया। ये घोषणा पत्र मुख्य सचिव डीवी गुप्ता को सौंपते हुए ये प्रतिबद्धता जताई गई कि सरकार इस घोषणा पत्र के अनुसार काम करेगी। इसके बाद मुख्य सचिव डीवी गुप्ता ने सभी विभागों से इस घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने के लिए 100 दिवसीय कार्य योजना मांगी है। इसी के तहत यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर नगरीय विकास विभाग ने एक जाय कार्य योजना तैयार करने के लिए निकायों से अपनी अपनी 100 दिवसीय कार्य योजना बनाने की हिदायत दी है। आपको बताते हैं, प्रदेश के आवासन मंडल सहित सभी नगरीय निकाय 100 दिनों में किन कार्यों को अमलीजामा पहनाने की योजना बनाएंगे। अधिक ट्रैफिक भार वाले रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज और अंडर पास का निर्माण करना, आवश्यकता वाले स्थान पर फ्लाईओवर, अंडर पास, बाईपास और एलिवेटेड रोड का निर्माण, आवासन मंडल को सुदृढ़ करना और उसके कार्य क्षेत्र को बढ़ाना, नगरीय विकास से संबंधित कानून और नियमों में आवश्यक संशोधन करना, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए आवासीय योजनाओं के लिए भूमि आरक्षित करना, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त आवासहीन कलाकारों को रियायती दर पर आवासीय भूखंड देना, अवाप्ति के मुआवजे में दी जाने वाली भूमि या अन्य भूमि की रजिस्ट्री में पुरुष के साथ महिला का भी नाम जोड़ना, अकेली निराश्रित और भूमिहीन महिला को आवास आवंटन में प्राथमिकता देना, हाउसिंग बोर्ड और प्राधिकरणों की आवास योजना में पत्रकारों के लिए आवास का आरक्षण करना, पत्रकारों की पूर्व लंबित आवासीय योजना के समाधान के लिए सकारात्मक कदम उठाना, हाउसिंग बोर्ड और प्राधिकरणों की योजनाओं में अधिवक्ताओं के लिए आवास का आरक्षण करना, सरकारी जमीन और अतिक्रमण करने वालों और जमीनी धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई, पाक विस्थापितों के सर्वांगीण विकास के लिए अलग से निकाय बनाना, यातायात जाम से राहत के लिए बड़े शहरों में आंदोलन और धरने प्रदर्शन के लिए अलग स्थान चिन्हित करना शामिल है। नगरीय विकास विभाग ने जिन बिंदुओं पर निकायों को 100 दिवसीय कार्य योजना भेजने को कहा है, उनमें से कई बिंदु ऐसे हैं जिनमें सरकार स्तर पर आदेश देने या नियमों में बदलाव की आवश्यकता होगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि 100 दिवसीय कार्य योजना कागजी कार्य योजना नहीं रहेगी, बल्कि सरकार और निकायों के सामंजस्य से इसे वाकई मूर्त रूप भी दिया जाएगा। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।